बचपन में आपने भी शायद सुनी हो वो कहानी। हम सुनते थे, बड़ी हंसी आती थी। कोई एक व्यक्ति था गांव का भोला भाला। उसको मन में आया कि आसपास कईयों के यहाँ रेडियो है, पहले रेडियो चलती थी ना, तो हम भी रेडियो खरीद कर आएंगे। शहर गया, मार्केट से रेडियो परचेज कर ली। और वहां जैसे परचेज की तो उसको तो कुछ चलाना आता नहीं था। उसने दुकानदार को कहा, आप इसको चला दो। दुकानदार ने उसमें बैटरी वगैरह सेल वगैरह डाल दिए और उसको ऑन करके दे दिया। उसको बड़ा आनंद आया। उसको चलाते चलाते गांव तक ऐसे ही आ गया, बड़ा खुश था। घर में ला के रख दिया, सबको बता रहा, देखो ये क्या आ रहा है, कैसे बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बड़ा खुश था। उसको चालू करना बंद करना नहीं आता था। दुकानदार ने चला के उसको दे दिया। अब सारा दिन से चल रहा है, अब उसको थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए। उसको लगा कि बस अब बंद हो जाओ। उसने रेडियो को कहा, बस बस बहुत हो गया, अब बंद हो जाओ, अब खाना खाएंगे फिर सोना भी है। न्यूज चल रही थी, कोई व्यक्ति जो एंकर था, न्यूज एंकर, वो उसको सुना रहा था। तो उसने ऐसे रेडियो की तरफ देखते हुए कहा कि देखो मैं थक गया हूं और आप भी बोलते बोलते थक गए होंगे, दिन भर से आप बोल ही रहे हो। अब रेडियो कोई भावना की बात थोड़ी समझेगी, उसको तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन उसको बंद करना, उसको पता नहीं था इसको बंद करने से बंद होगी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी बार कह चुका हूँ बंद हो जाओ, बस थक गए हो बंद हो जाओ। वो कहा बंद होगा। अब भोला भाला व्यक्ति, उसको गुस्सा आया, कोने में एक लाठी पड़ी थी, जोर से एक लगाई कि बंद ही नहीं हो रही, इतनी देर से कह रहा हूं। जैसे ही लाठी लगी, उसकी बैटरी सेल वगैरह बाहर निकल गए। जब उसको तो बंद होना था, कहते देखो अभी तो चुप हुए ना एक लाठी लगने के बाद। तो ऐसे यहां भी अगर भावना में चलते हैं, ज्ञान क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं माया की लाठियां बरसेंगी और सारे बैटरी सेल निकल के एक तरफ हो जाएंगे, बाबा को छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या करना है, ज्ञान स्वरूप होकर चलेंगे तो हमेशा माया के कितने पेपर आए, हर पल सदा पास होते रहेंगे। नहीं तो छोटी सी परिस्थिति आएगी, जो भावना वाले हैं वो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।